गोपालगंज जिले के थाना क्षेत्र के एक देरवा गांव में हुई किशोर की हत्या बात नहीं मानने पर उसके माँ बाप ने ही की थी। इसका खुलासा करते हुए गुरुवार को एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि किशोर शिवम कुमार की हत्या उसके पिता शंभू सिंह और माँ छोटी देवी ने मिलकर की थी। गले में रस्सी का फंदा डालकर उसका गला घोट दिया था। जब उसकी मौत हो गई तो शराब के नशे में धुत पिता शंभू सिंह ने उसके शव को गांव के समीप स्थित तालाब में फेंक दिया था। 19 मार्च की रात को घटना को अंजाम देने के बाद पिता अपने घर पर वापस चला आया और 20 मार्च की सुबह थाने में उसने बच्चे के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद तालाब से बच्चे का शव निकालकर वहीं रख दिया। फिर 21 की सुबह अपने एक साथी के साथ बच्चे की खोज करने के लिए तालाब के समीप पहुंचा और गांव में ये अफवाह फैला दिया कि उसके बच्चे की मौत तालाब में डूबने से हुई है। लेकिन इस कांड का खुलासा करने के लिए एसपी स्वर्ण प्रभात ने एक आईटी का गठन किया था। मामले की जांच और ग्रामीणों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को आशंका हुई कि किशोर शिवम कुमार के माता पिता ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। इसके बाद पुलिस की टीम ने उन्हें हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उन लोगों ने हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। तो शाम में आवेदक शंभू सिंह के द्वारा थाना पर एक लिखित आवेदन दिया गया था कि इनका पुत्र लापता हो गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। 21 मार्च को मॉर्निंग में गांव के पास में एक तालाब है, वहां लापता बच्चे का शव बरामद होता है। हम लोगों ने शव का पोस्टमार्टम कराया। 3 डॉक्टर की टीम ने इसकी जांच रिपोर्ट दी और जांच रिपोर्ट में आया कि इसकी मृत्यु डूबने से नहीं बल्कि स्ट्रैंगुलेशन से हुआ है। इसकी हत्या की गई है फांसी लगाकर। इसके बाद टीम ने गुप्त सूचना, ग्रामीणों के सहयोग और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मृतक के पिता और मृतक की माता को पुलिस की अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया। पूछताछ के क्रम में इनकी माता के द्वारा बताया गया कि इनका बेटा हमेशा अन्य बच्चों के साथ मारपीट करता रहता था और इनके द्वारा समझाने पर ये बात नहीं मानता था। और इसी क्रम में दिनांक 19 मार्च को इन्होंने अपने लड़के को मारा था। इसके बाद इनके पति आते हैं जो शराब के नशे में धुत थे और उनके द्वारा भी बच्चे को मारपीट किया गया और इसको डराने के लिए गले में रस्सी का फंदा लगाकर डराने का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में रस्सी दब जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस से के डर से इन्होंने शव को पोखरा में ले जाकर 19 तारीख को ही फेंक दिया था। और ग्रामीणों में यह अफवाह फैलाया गया था कि इनके पुत्र का मृत्यु पोखरा में डूबने से हुआ है। और इनके द्वारा दिए गए स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर घटना में जो प्रयुक्त रस्सी है जिससे मृतक का गला घोटा गया था उस रस्सा को इनके घर से बरामद किया गया है और इस प्रकार कांड का सफल उद्भेदन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीएसआरएस न्यूज़, गोपालगंज।